जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है माला करते हैं, जिन्होंने नहीं ली है वो भी नहीं करते, माला नहीं करते। तो आपको पता नहीं होगा, जब आप माला नहीं करते हैं तो पता भी नहीं होगा कि मन के में 108 दाने होते हैं। ये 108 दाने हमारे जीवन की ही एक एक काल गणना है। कैसे? जो जीव होता है, जो प्राणी होता है, वो एक दिन में कितनी बार सांस लेते हो? सांस लेना नहीं भूलते, माला करना भूल जाते हैं, सांस लेना भूलते हैं। जितनी जरूरत सांसों की है उतनी जरूरत भगवान की नाम जप की है, और नाम जप उतना ही आवश्यक है जितना आपको सांस लेना आवश्यक। कहते ना, जब भोजन की, जब पेट में भूख हो तो समझ लेना भोजन की आवश्यकता है, और जब मन की भूख हो तो समझ लेना भजन की आवश्यकता। इसीलिए तो कथा में बीच बीच में भजन भी सुनाते रहते हैं, क्योंकि भजन नहीं सुनाएंगे तो मन नहीं टिकेगा, मन नहीं स्थिर होगा तो कथा में मन नहीं लगेगा। तो एक व्यक्ति प्रत्येक दिन में कितनी सांस लेता है? 24 घंटे में 21,600 बार आप सांस लेते हो, 12 घंटे तो अपने दिनचर्या में प्रतीत है गए। तीन पहर तो काम किया, चार पहर गए सोए, और एक पहर ना हरी भजा, फिर मुक्ति कैसे हो? दिन रात कमाने में लगे हुए, बिजनेस करने में, पैसा जोड़ने में, बारह घंटे निकल गए आपके दिनचर्या में, आपके काम में, बचे कितने? 24 में कितने बचे? 12 निकल गए। तो हम चूंकि बता देते हैं अपनी बातें, हमारा मैथ थोड़ा कमजोर है, तो बताते जाइए, आपका भी इससे स्ट्रांग होता जाएगा। तो 12 निकल गए 24 में, तो कितने घंटे बचे? 12 घंटे। अब 12 घंटे में कितनी सांसें बची आपकी? 10,800। तो कहा 10,800 जो सांसें हैं वो भगवान के लिए है, लेकिन कली काल में संभव नहीं है कि कोई 10,800 बार जो सांसें निकल रही उसमें भगवान का नाम जप करे। तो कहा, भगवान ने कहा कि मुझे भजो, किसी प्रकार भजो, मैं इसे भी कम कर देता हूं। तो पीछे के 2 शून्य हटा दिए प्रभु ने, तो कितने आ गए? कितने आ गए? 10,800 सांसें थी, तो पीछे की 2 शून्य जब हट गई तो कितने आ गए? 108। इसलिए मन के में 108 ही दाने होते हैं, और भगवान का जिनसे नाम सुमिरन किया जाता है।